हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुक्रोत और आप देख रहे हैं टेकी स्टफ। आप सभी लोगों का हमारे डेली टेक के एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की टेक न्यूज़ में हम लोग जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेके आए हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना और एंजॉय करना। इसी के साथ में आई विश यू अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। आप लोगों के इस फेस्टिव सीजन्स में क्या प्लान है उनको जो है वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अब वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो शुरुआत करते हैं वन प्लस के साथ में, और वन प्लस 8T के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन ओएस 11.0.4.5 का अपडेट जो है वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। इसका जो चेंज लॉग है वो मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अगर आपको ये अपडेट आया है तो आप इसको जाके अपडेट कर सकते हैं और इसके नए फीचर्स का जो है वो यहाँ पे मजा उठा सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं टिक वॉच की तरफ, और बहुत सारे टिक वॉचेस जो है वो आप लोगों को अपकमिंग डेज में इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। बहुत सारे टिक वॉचेस के जो मॉडल्स है वो इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुके हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इन स्मार्ट वॉचेस में तो ये आप लोगों को बहुत ही जल्दी इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। तो क्या आप लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे टिक वॉचेस को परचेस करने में या फिर नहीं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं। तो अब बात करते हैं इंस्टाग्राम की, और इंस्टाग्राम का जो लेआउट है उसमें आप लोगों को बहुत ही जल्दी एक और चेंज देखने को मिलने वाला है। रिसेंटली इंस्टाग्राम ने अपने लेआउट में बहुत सारे चेंजेस ऑलरेडी किए हैं, और अब जो है आप लोगों को ऐड पोस्ट और नोटिफिकेशन का जो सिंबल देखने को मिलता है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा टॉप राइट कॉर्नर में, और बॉटम जो स्ट्रिप है इंस्टाग्राम की वहाँ पे आप लोगों को रील्स, सर्च और शॉप का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो इसके बारे में आप लोगों को क्या लगता है, आप अपने ओपिनियंस जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, दिवाली आ चुकी है और गूगल ने दिवाली के लिए एक स्पेशल एनिमेशन जो है वो क्रिएट कर दिया है। अगर आप लोग यहाँ पे गूगल पे जाके सर्च करते हैं दिवाली, दिवाली फेस्टिवल या फिर दिवाली इंडिया, तो आप लोगों को जो है वो एक जलता दिया राइट कॉर्नर में देखने को मिल जाएगा, और इसी के साथ में दिवाली से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन बॉक्स भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप गूगल के सर्च बॉक्स में जाके इन चीज़ों को जो है वो सर्च करके दिवाली का मज़ा यहाँ पे ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं YouTube की, और YouTube ने अपना रिवाइंड 2020 का जो वीडियो होता है उसको यहाँ पे कम्प्लीटली कैंसिल कर दिया है, और बोला है कि ईयर 2020 जो है वो ऑलरेडी बहुत डिफरेंट है, तो इस साल का रिवाइंड जो है वो यहाँ पे आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को पता नहीं है YouTube रिवाइंड क्या होता है तो वीडियो के एंड तक जो है वो ज़रूर से आप बने रही है। आज के टिकी फैक्ट में आप लोगों को मैं इसके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो अब बात करते हैं Realme की, और Realme X7 सीरीज़ इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाली है। और अब ऐसे बताया जा रहा है कि Realme X7 सीरीज़ जो है वो इंडिया में क्रिसमस के अराउंड जो है वो लॉन्च हो सकती है, लेकिन इसके जो सेल स्टार्ट होंगे वो आप लोगों को 2021 में देखने को मिलेंगे। तो क्या आप लोग यहाँ पे एक्साइटेड है Realme X7 सीरीज़ के लिए, और क्या आप लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे Realme X7 या फिर X7 Pro परचेस करने में, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। तो अब बढ़ते हैं आज की सबसे आखिरी न्यूज़ की तरफ, जो कि आप लोगों को देखने को मिल जाती है Redmi की तरफ से। और Redmi Note 10 का जो 4G वेरिएंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसकी जो है वो की स्पेसिफिकेशंस और रेंडर जो है वो यहाँ पे लीक हो चुके हैं। की स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऐसे बताया जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन होगा ये एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें होगा Qualcomm Snapdragon 662 वाला प्रोसेसर, अप टू 8GB की रैम और 256GB की इंटरनल स्टोरेज जो है वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, 5900mAh की बैटरी भी इसमें होगी, और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो आप लोगों को इस फोन में देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे मैं आप लोगों को स्क्रीन पे इसके रेंडर जो है वो दिखाने वाला हूँ, और आप लोग मुझे यहाँ पे बता देना कि इस फोन का डिज़ाइन आप लोगों को दूसरे कौन से फ़ोन से जो है वो मिलता जुलता यहाँ पे लग रहा है या फिर नहीं, आप जो है वो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि आपके किसी टेक रिलेटेड क्वेश्चन का मैं मेरे वीडियो में यहाँ पे आंसर करूँ, तो सिंपली इस वीडियो के नीचे जाके कमेंट सेक्शन में #techyquestion यूज़ करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, और मैं आपके सवालों के जवाब मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दे दूंगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे टेकी फैक्ट की तरफ, जो कि आप लोगों को देखने को मिलने वाला है YouTube रिवाइंड से रिलेटेड। और YouTube रिवाइंड एक ऐसा वीडियो होता है जो कि YouTube हर साल पब्लिश करता है, उस साल में जितने भी हाइलाइट्स होते हैं YouTube पे उन सबको जो है वो कंबाइन करके यहाँ पे एक वीडियो बनाया जाता है और उसको YouTube रिवाइंड वीडियो बोला जाता है। लेकिन इस साल जो है वो आप लोगों को YouTube रिवाइंड वीडियो नहीं देखने को मिलेगा,
2010 से जो है आप लोगों को YouTube Rewind वीडियोस देखने को मिल जाते हैं, लेकिन 2020 ऐसा इकलौता ईयर है जहां पे आप लोगों को YouTube Rewind का वीडियो नहीं देखने को मिलेगा। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का टेकी फैक्ट, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बस इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ऐसे ही लेटेस्ट टेक रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि हमारे चैनल पे जो भी एक बड़ा सरप्राइज वाला वीडियो आने वाला है उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिल जाए। और फिर मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।